जो गोल्डन नोटबुक है बाय डोरिस लेसिंग, ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में आने वाले बहुत ही फेमस वर्क है और उसके बारे में ये हमारी थर्ड वीडियो है। तो उस जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें हमने एना वुल्फ के बारे में, उसकी फ्रेंड जोली है उसके बारे में हमें पता चला, और जो एना वुल्फ है उसका रिलेशनशिप और उसके जो रिलेशनशिप में जो डिसअपॉइंटमेंट है उनके बारे में पता चला। तो ये हमारी वीडियो है गोल्डन नोटबुक के बारे में, ये हमारी लास्ट वीडियो है, इसमें हम उसके प्लॉट को कम्प्लीटली समझ लेंगे। तो हेलो, आई एम राधा एंड वेलकम माय ट्रिनिटी ग्रुप। तो हमारे जो गोल्डन नोटबुक जो है इसका जो प्लॉट है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। बोथ द वुमेन एना वुल्फ एंड मोली जैकोब्स वर डेजर्टेड बाय देयर हस्बैंड। हमें यहाँ पर क्या पता चलता है कि जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें जो एना वुल्फ और मोली जैकोब्स जो हैं वो जो लंदन का फ्लैट है उसमें दोनों अकेले रहते हैं, उनके साथ उनके हस्बैंड नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर उनके जो आगे की जो लाइफ उसके बारे में हमें पता चला है कि बोथ वुमेन एना वुल्फ एंड मोली जैकोब्स वर डेजर्टेड बाय देयर हस्बैंड। वो अपने जो हस्बैंड है उसके द्वारा डेजर्टेड की गई है, उनको मतलब कि छोड़ दिया गया है। डाइवोर्स्ड हर लिबरेटेड देन फ्रॉम द इंट्रैपमेंट ऑफ मैरिज एंड डोमेस्टिसिटी। और इसके साथ साथ हमें क्या पता चला कि वो उन्होंने डाइवोर्स ले रखा है, हैज़ लिबरेटेड देम फ्रॉम द इंट्रैपमेंट ऑफ मैरिज। और इसके साथ साथ जो शादी का जो इंट्रैपमेंट था, जो एक जाल था, उससे वो मुक्त हो चुकी हैं एंड डोमेस्टिसिटी और जो घरेलू जो लाइफ उससे वो फ्री हो चुकी हैं। इट इनेबल्ड देम टू इन्जॉय द ग्रेटर डिग्री ऑफ सेक्शुअल प्लेजर एंड फ्रीडम देन मैरिड वुमेन हैज़। और जब वो अपनी उस लाइफ से, जो मैरिज लाइफ उससे फ्री हो जाती हैं, तो वो अपनी जो सेक्शुअल प्लेजर है उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं, जो एक मैरिड वुमेन भी इंजॉय नहीं करती उसको वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हैं। और इसके बारे में बताया गया है, बट देयर लाइफ इज स्टिल फ्रस्ट्रेटेड एंड फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन वो एज ए फ्री वुमेन जी तो रही हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ है अभी भी वो क्या है, डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई है। वो अभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है। एज ए फ्री वुमेन, एक फ्री वुमेन के रूप में दे फॉल विक्टिम टू मैन हु यूज टू रिगार्ड देम सेक्स हंग्री। वो यहाँ पर एज ए फ्री वुमेन वो बहुत सारे मैन से मिलती है, लेकिन वो सिर्फ उनको सेक्स हंग्री, मतलब कि उनमें सिर्फ जो सेक्स की जो भूख है उसी को वो देखती है, उसमें किसी तरह का जो इमोशनल अटैचमेंट है वो उन मैन में नहीं देखती है। सो दे सफर फ्रॉम द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। इस तरह से वो एक लोनलीनेस की जो फीलिंग है उसे सफर्ड करती है, अकेलेपन की जो फीलिंग है उसे सफर्ड है। स्ट्रव फॉर लव एंड कंपेनियनशिप। और उन्हें क्या है, भूख है किसकी, लव की एंड कंपेनियनशिप की जो भूख है वो अभी भी उनके अंदर है। मतलब वो एक ऐसे जीवन साथी की तलाश में है जो उनकी कंपनी देश के उनको कंपनी देश के उनको जो लाइफ टाइम उनको सहारा देश के, वो अभी भी उनके अंदर वो भूख है। फिर उसके बाद हमें ब्लू नोटबुक के बारे में पता चलता है। जो ब्लू नोटबुक इज फैक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ एनाज रिलेशनशिप विद मैन। ये फैक्चुअल जो रिकॉर्ड है उसके बारे में है, जो एना का रिलेशनशिप है विद मैन, मैन के साथ। इट डिपिक्ट एनाज मेंटल ब्रेक डाउन व्हेन शी ट्राइज टू कम टू टर्न विद फ्रस्ट्रेटेड रियलिटी। और ये क्या करती है, डिपिक्ट ये बताती है एनाज मेंटल ब्रेकडाउन। जब एना को मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था, मतलब वो डिप्रेशन में चली गई थी, व्हेन ट्राइज टू कम टू टर्न विद फ्रस्ट्रेटेड रियलिटी। जब वो इन सारी की सारी जो रियलिटी है उनका सामना करती है, कि वो सोच रही थी कि जब वो फ्री वुमेन का के रूप में जब वो अपनी लाइफ को जिएगी तो वो अपनी लाइफ में खुश होगी, लेकिन जब उसे रियलिटी का सामना करना पड़ता है, उसे अब भी फ्री वुमेन के रूप में भी उसे डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है, तो वो क्या, मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरती है। तो ब्लू नोटबुक में उसके मेंटल ब्रेकडाउन के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद जो हमारे लास्ट जो सेक्शन है वो है गोल्डन नोटबुक। गोल्डन नोटबुक एंड्स विद रिलीज। ये एक राहत के साथ खत्म होता है। यूनियन रिन्यूड क्रिएटिविटी, उसके अंदर एक नई क्रिएटिविटी आ जाती है। द अफेयर्स बिटवीन एना शोल एंड्स, जो एना और शोल का जो रिलेशनशिप था वो एंड हो जाता, खत्म हो जाता, नॉट इन कन्फ्रंटेशन बट ऑन ए नोट ऑफ सॉलिडरिटी। और ये सिर्फ कन्फ्रंटेशन के साथ ही खत्म नहीं होता, बल्कि सॉलिडरिटी, एक सॉलिडरिटी के साथ, मतलब एक ठोस निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ खत्म होता है। शोल डिसाइड टू गो बैक टू अमेरिका। शोल कहता है कि मैं दोबारा फिर वापस अमेरिका में जाऊंगा। द इनर गोल्डन नोटबुक ए कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट डज नॉट एंड विद हर रियलाइज एंड आफ्टर राइटर्स ब्लॉक
एना राइट्स फ्री वुमेन, और ये उसकी जो इनर स्ट्रेंथ उसके साथ ख़त्म होता है और वो एक अपना जो ब्लॉक उसको कंप्लीट कर लेती है, जो उसका नॉवल था फ्री वुमेन का जो कंसेप्ट है उसको वो पूरा कर लेती है विद द रिन्यूअल कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। और अब उसमें नई एनर्जी और कॉन्फिडेंस था। शी टेक्स अपॉन हर सेल्फ बर्डन ऑफ रिक्रिएटिंग ऑर्डर, और वो अपनी लाइफ में क्या रिक्रिएटिंग ऑर्डर, वो अपनी लाइफ को एक बर्डन से मुक्त कर लेती है और रिक्रिएटिंग एक्टिविटी वो दोबारा फिर जो अपने क्रिएट करने की जो हैबिट है उसमें वो आ जाती है। एज ए रिजल्ट इस तरह से शी सक्सेसड टू कंपोजिंग ए बुक पावर्ड विद इंटेलेक्चुअल पैशन, इस तरह से वो अपनी एक इंटेलेक्चुअल पैशन के साथ अपनी बुक को कंप्लीट कर लेती है। तो हमें यहाँ पर जो नॉवल है गोल्डन नोटबुक, इसमें जो एना वुल्फ है उसकी लाइफ के बारे में पता चला है कि वो अपनी लाइफ के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो डिफरेंट जो उसकी थॉट्स हैं उनको वो अलग अलग नोटबुक में लिखती है, लेकिन उन सब नोटबुक में लिखने के बाद लास्ट में वो गोल्डन नोटबुक में लिखती है। तो उसे पता चलता है कि जो उसकी लाइफ उसका जो शार है वो उसके रिलीज करना राहत लेना है, तो वो अपना जो फ्री वुमेन का जो कंसेप्ट उसको कंप्लीट कर लेती है और सोल के साथ जो रिलेशनशिप था वो एंड हो जाता है और वो अपनी लाइफ में दोबारा फिर क्रिएटिविटी को देखती है। तो इस तरह से जो उसका फ्री वुमेन का जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट होता है और उसके सारे के सारे जो बुक थी ब्लैक नोटबुक, रेड नोटबुक, येलो नोटबुक, ब्लू नोटबुक, उनका जो सार है वो इसमें दिया गया है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।